हर खेल में कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनकी क्षमता और महानता के बारे में इस कारण भी पता नहीं लग पाता क्योंकि वो एक ऐसे दौर में पैदा हुए होते हैं जिसमें उनसे बड़े नाम होते हैं। दुर्भाग्यवश उन्हें वह प्रसिद्धि नहीं मिल पाती जिसके वे अधिकारी होते हैं। ऐसे तमाम नामों में कई नाम भारत के भी हैं। 60 और 70 के दशक में भारतीय टीम की स्पिन चौकड़ी विश्व प्रसिद्ध थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी, राइट आर्म ऑफ स्पिनर इरापल्ली प्रसन्ना, राइट आर्म लेग स्पिनर भागवत चंद्रशेखर और राइट आर्म ऑफ स्पिनर श्रीनिवास वेंकट राघवन, ये स्पिन चौकड़ी बहुत सफल रही। लेकिन इनके चक्कर में कई ऐसे प्लेयर्स गुमनाम रह गए जो किसी भी दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट के दिग्गज बन सकते थे। इन्हीं में से एक थे स्पिनर राजेंद्र गोयल। साल 1974-75 की भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के दौरान बेंगलुरु टेस्ट में क्रिकेट के दो नए महान बल्लेबाजों ने डेब्यू किया, गार्डन ग्रीनिस और विवियन रिचर्ड्स। इसी मैच में एक और महान खिलाड़ी का पदार्पण हो सकता था पर टीम कॉम्बिनेशन ऐसा था कि उस खिलाड़ी को अवसर नहीं मिल सका। ये खिलाड़ी थे लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेंद्र गोयल। विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट आर्म स्पिनर में से एक बिशन सिंह बेदी अनुशासनात्मक कारणों से बेंगलुरु टेस्ट से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेंद्र गोयल के बजाय लेग स्पिनर भागवत चंद्रशेखर और दो ऑफ स्पिनर्स प्रसन्ना और वेंकट राघवन के साथ जाना उचित समझा। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में लिखा है कि गोयल नई किट और नए जूते भी ले आए थे, परंतु में उन्हें पता चला कि वे 12वें खिलाड़ी ही रहेंगे। अगले टेस्ट में बिशन सिंह बेदी वापस आ गए और गोयल को फिर कभी टीम में नहीं चुना गया। डेकन हेरल्ड के मुताबिक राजेंद्र गोयल ने बाद में कहा था, जब भारतीय टीम दो ऑफ स्पिनर प्रसन्ना और वेंकट लेकर खेल सकती है तो उन्हें दो लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ खेलने से कौन रोक रहा था। मुझे लगता है कि वो मुझे टीम में लेना ही नहीं चाहते थे, कारण चाहे जो रहा हो, देश के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर्स में से एक होने के बाद भी मैं देश के लिए नहीं खेल सका, यह निराशा मृत्यु तक मेरे साथ रहेगी। 1980s में दो लेफ्ट आर्म स्पिनर रवि शास्त्री और दिलीप दोषी एक साथ खेले हैं, ऐसा विचार 1970 के दशक में क्यों नहीं किया गया ये नहीं पता। गोयल से पूछा गया कि इतने बढ़िया प्रदर्शन के बाद भी टीम में न चुने जाने पर उन्होंने लगातार खेलना जारी कैसे रखा। इस पर उनका उत्तर था, मैं बढ़िया गेंदबाजी करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता था, क्रिकेट मेरा जीवन है, पर जीवन में हमें सब कुछ नहीं मिलता, आपको बस अपना काम करते रहना है। मैंने भी अपनी क्षमताओं के हिसाब से सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास किया। राजेंद्र गोयल और पद्माकर शिवालकर उन दो खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, परंतु सुनील गावस्कर उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। 1958-59 में गोयल का फर्स्ट क्लास करियर पटियाला से शुरू हुआ। 1964-65 में गोयल ने श्रीलंका, तब कसिरोन के विरुद्ध एक अनऑफिशियल टेस्ट खेला था। 1958-59 से 1984-85 तक चले घरेलू करियर में गोयल ने दक्षिणी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के लिए रणजी ट्रॉफी और नॉर्थ जोन के लिए दिलीप ट्रॉफी खेली। क्रिकेट कंट्री के मुताबिक 1962 में गोयल ने पंजाब छोड़कर दिल्ली के लिए खेलना शुरू किया। पहले ही सीजन में उन्होंने 25 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी मात्र 1.49 की रही। अपनी पुरानी टीम दक्षिणी पंजाब के विरुद्ध एक मैच में उनके आंकड़े थे 31.4 ओवर में 24 मैडन, 17 रन देकर 5 विकेट। अगले सीजन में उत्तरी पंजाब के खिलाफ एक मैच में गोयल बिशन सिंह बेदी पर भारी पड़े। उन्होंने इस मैच में 59 रन देकर 10 विकेट लिए। 1973-74 में गोयल ने हरियाणा से खेलना आरंभ किया और पहले ही मैच में रेलवे के खिलाफ 55 रन देकर 8 विकेट लिए। ये पहली बार था जब हरियाणा के किसी गेंदबाज ने पारी में 8 विकेट लिए हों। 1975-76 दिलीप ट्रॉफी फाइनल में नॉर्थ जोन का मुकाबला साउथ जोन से था। साउथ जोन की ओर से भारत की प्रसिद्ध स्पिन चौकड़ी में से तीन स्पिनर चंद्रशेखर, प्रसन्ना और वेंकट, जबकि नॉर्थ की ओर से बेदी और गोयल खेल रहे थे। यह मैच स्पिन गेंदबाजों के बीच एक युद्ध सा था। पहली पारी में साउथ जोन ने 390 रन बनाए। नॉर्थ जोन के लिए बेदी ने 1 और गोयल ने 7 विकेट लिए। नॉर्थ जोन की पहली पारी 291 रन पर सिमटी। चंद्रशेखर ने 5, प्रसन्ना और वेंकट ने 2-2 विकेट लिए। साउथ जोन ने दूसरी पारी में 134 रन बनाए। बेदी और गोयल ने 5-5 विकेट लिए। 234 रनों का पीछा करने उतरी नॉर्थ जोन की टीम वेंकट के सामने टिक नहीं पाई और 196 पर निपट गए। वेंकट ने 5, प्रसन्ना और चंद्रशेखर ने 2-2 विकेट लिए। गोयल के समय में हरियाणा की टीम 3 बार रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहुंची। गोयल के रिटायर होने के कई साल बाद साल 1991 में कपिल देव की कप्तानी में हरियाणा ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई को 2 रन से पराजित करके रणजी ट्रॉफी जीती। गोयल उस टीम के मुख्य चयनकर्ता थे। गोयल ने घरेलू क्रिकेट में 157 मैचों में 18.58 की औसत से कुल 750 विकेट लिए। 59 बार उन्होंने पारी में 5 विकेट और 18 बार मैच में 10 विकेट लिए। गोयल के 750 में से 637 विकेट रणजी ट्रॉफी में है, ये एक रिकॉर्ड है। 21 जून 2020 को 77 साल की उम्र में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।